हेलो फ्रेंड्स, मैं लता साबरवाल हूं एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आज मेरा फिफ्थ डे है आपके साथ और लॉकडाउन का फोर्थ डे। अच्छा, तो आज फिर मैं इसी किताब से कुछ इंस्पिरेशनल टॉक शेयर करने जा रही हूं। 21 दिन का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। 21 दिन में अगर हम चाहें तो, ये किताब भी कहती है और रिसर्च भी कहती है, तो कोई भी नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं। या फिर अगर हम अपनी जिंदगी में या अपने नेचर में अपने कुछ करने के तरीके में बदलाव लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। मतलब 21 दिन में, 21 डेज में हम कोई न्यू बेनिफिशियल हैबिट फॉर्म कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज, सपोज आप फॉर एग्जाम्पल 5 बजे रोज उठना चाहते हैं, या रोज एक टाइम पर थोड़ी देर किताब पढ़ना चाहते हैं, या थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना चाहते हैं, या एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अगर आप 21 दिन तक लगातार वो चीज करेंगे, खासतौर पर अगर आप उसी टाइम पर करेंगे, तो वो आपकी आदत बन जाएगी और उसके बाद पूरी जिंदगी आप एफर्टलेसली वो काम करते रहेंगे। जैसे हम कोई नए जूते खरीदते हैं तो शुरू में जब पहनते हैं तो कितना काटते हैं, कितना परेशान करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहनने लगते हैं तो धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो हमारे फेवरेट पेयर ऑफ शूज बन जाते हैं। वैसे ही जब हम कोई भी नया चेंज, कोई पॉजिटिव चेंज अपनी जिंदगी में लाते हैं या अपने नेचर में लाते हैं, या कोई नई चीज ऐड करते हैं कि अब मैं ये किया करूंगी या अब मैं ये किया करूंगा, तो क्या होता है कि हमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा क्या नेचर है, हमारा नेचर ये है कि हम एक ही तरीके से चलते रहें, ये एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा नेचर है। लेकिन अगर हम कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शुरू में एफर्ट लगाना पड़ेगा, शुरू में हमें शायद बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। जब हमारे 21 दिन निकल जाएंगे या धीरे धीरे जैसे समय कटता जाएगा, वैसे वैसे वो चीज हमारी आदत बनती जाती है और अच्छी आदतें एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। जब रॉकेट आसमान में उड़ता है तो सबसे ज्यादा फ्यूल वो तब यूज करता है जब उड़ने जा रहा होता है, लेकिन जब वो आसमान में जाता है तो उतना फ्यूल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है। इसीलिए जो फर्स्ट डे होता है या जो एफर्ट हमको करना है शुरुआत में नई हैबिट फॉर्म करने के लिए, वो मैक्सिमम होता है और उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है, वो नई हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। तो चलिए हम डिसाइड करते हैं, अपने आप को रिव्यू करते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि कौन सी ऐसी नई आदतें हैं जिन्हें हम डालना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं, या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। वैसे तो हम सब बिजी रहते हैं, अब ये टाइम मिला है तो क्यों ना इसे हम कुछ अच्छी चीजों के लिए यूटिलाइज करें, बाकी सब काम करते हुए भी। तो चलिए कुछ डिसाइड करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, प्रेयर हो, रीडिंग हो, या कुछ भी और हो, आपकी हॉबी हो। चलिए 21 दिन के लिए कोई नई आदत डालते हैं। और हाँ, घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।